गुड मॉर्निंग। जैसे आपको पता है लॉकडाउन आज या कल में या 10 दिन में खत्म होने वाला है, तो इस बीच हमें क्या करना है ताकि हम बाहर भी निकलेंगे और इन्फेक्शन भी होगा तो हमें नुकसान सबसे कम से कम हो। एज वी ऑल नो कोरोना वायरस जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं आया है अभी तक, वैक्सीन नहीं आया है अभी तक। तो इन दिस सिनेरियो, और सबको पता है कि इट इज़ वेरी इन्फेक्टिव, तो इन दिस सिनेरियो हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाहर जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन होगा, तो हम क्या करें ये 10 दिनों में ताकि हमारी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो और अगर हमें इन्फेक्शन भी हो जाए तो हमें नुकसान कम से कम हो और हम वेंटिलेटर पे ना जाएं। ये हम कैसे कर सकते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये तो रेगुलर सबको करना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जरूरी किसके लिए है बोले तो जिन्हें ब्रोंकियल अस्थमा है, दम्मे की बीमारी जिसे है, जिन्हें डायबिटीज है, शुगर की बीमारी, जिन्हें हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, जिन्हें ओल्ड एज जैसे हैं उनको, और यही जो हाई रिस्क पेशेंट हैं जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगार पीते हैं, हुक्का पीते हैं, इन सबको हाई रिस्क ग्रुप में आएंगे ये लोग को भी लंग की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लोग अगर इन्फेक्शन भी अगर आ जाए लॉकडाउन के बाद में, अगर ये बाहर जाएंगे इन्फेक्शन भी आ गए तो ये लोग वेंटिलेटर पे ना जाए, जस्ट ऑक्सीजन सपोर्ट से इनका काम हो जाए। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज करना है। जनरली हमें 100% जो लंग है उसमें हम 60% तक कैपेसिटी ही यूज कर सकते हैं करते हैं, 40% अनयूज्ड रहता है। तो जो अनयूज्ड लंग है जो हम यूज नहीं कर पाते हैं वो कोलैप्स्ड हो जाते हैं, उसमें जो एल्वियोले हैं वो कोलैप्स रहते हैं लगभग, तो उन्हें रीएक्टिवेट करना है। कैसे रीएक्टिवेट करना है हम आपको एक्सरसाइज के द्वारा बताएंगे। ये डॉक्टर ब्रदर आनंद है, ये आपको बताएंगे कि कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है। ऐसे सांस अंदर लेना है छाती भर के, उसके बाद में धीरे से छोड़ना है, उसके अंदर फिर सांस लेना है, फिर धीरे से छोड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो ऊपर का पार्ट है लंग का ये एरिएट होगा, आगे पीछे और जो ऊपर है ये एरिएट होगा, लेकिन जो आगे पीछे और जो नीचे के तरफ जो लंग है आगे और पीछे उसमें पूरा खून भरा हुआ रहेगा, इसलिए वहां पर एयर नहीं जाएगा। तो इसे हम कैसे बढ़ाएंगे, और दूसरी बात क्या है, जो छाती है उसमें ज्यादातर अधिकतर हिस्सा जो सामने तरफ है उसमें हार्ट रहेगा और कम लंग रहेगा, बाकी का पूरा लंग पीछे के तरफ रहेगा, तो पीछे के तरफ के लंग को हमें सबसे ज्यादा एरिएट करना है। तो कैसे करना है ये ब्रदर बताएंगे आप। इसे प्रोन पोजीशन बोलते हैं, प्रोन पोजीशन में जाकर हमें सांस छाती भर के लेना है ताकि ये जो पूरा लंग है ये पूरा एरिएट हो। ऐसे छाती भर के सांस लेना है और छोड़ना है। ऐसे आपको दिन में 5 बार करना है एक्सरसाइज, और हर साइकिल में जो 5 बार में हर एक साइकिल है उसमें कम से कम 3 से 5 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। ऐसे करने से क्या होगा, लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, जो एल्वियोले कोलैप्स हैं वो बढ़ेगा। और एक क्या है, जब हम घर में बैठे हुए हैं तो एल्वियोले जिसमें बलगम है उसे भी बलगम बाहर निकाल के वो एल्वियोले को भी हमें एक्टिवेट करना है। तो कैसे करना है, अगर मास्क नहीं है घर में बैठे हुए हैं तो हम टी शर्ट के अंदर ही ऐसे खांसेंगे, उसके बाद में लंबा सांस लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, जो एल्वियोले के अंदर जो बलगम है वो बाहर आएगा और वो फिर लंबा सांस लेने से वो फूल जाएंगे गुब्बारे की तरह और लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो हम ऐसे उल्टा लेट के जो सांस लेंगे उसके वजह से भी लंग की कैपेसिटी जो पीछे जो मैक्सिमम लंग है वो एरिएट होगा, सामने होगा। एंड ऐसे करने से क्या होगा, पेशेंट हाइपोक्सिया में नहीं जाएगा अगर इन्फेक्शन हो जाएगा। हाइपोक्सिया मतलब क्या, ऑक्सीजन की कमी ब्लड में, तो ये ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी उसे, और ज्यादातर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन तक ही जाएंगे, सीमित होके वापस आ जाएंगे, क्योंकि 80% पेशेंट को जो कोविड इन्फेक्शन होता है उसमें 80% पेशेंट को सिर्फ सर्दी जुकाम जैसे होगा और 15% लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन 5% लोग को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो वो लोग अगर हम ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो हम वो 5% के श्रेणी में नहीं आएंगे। तो गाइस कीप डूइंग इट फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज सो दैट द लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, थैंक यू।